खंडवा शहर के नजदीक हापला दीपला गांव में एक समुदाय के युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। हापला दीपला गांव को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील कर दिया है। मंगलवार को हापला दीपला गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग खंडवा एसपी कार्यालय पहुंचे और दोनों पक्षों ने ज्ञापन दिया। इसके पूर्व गांव के लोगों ने एसपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस पर बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी शहर काजी की अगुवाई में ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों हुई शरीफ पिता मंगू की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम आपको बता दें कि हापला दीपला गांव में इसके पूर्व भी हत्याओं के मामले सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया था। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। 22 साल का मरुण शरीफ मंजूरी निवासी ग्राम हापला दीपला व जिला खंडवा थाना कोतवाली खंडवा विरुद्ध पवन सिंह पिता सुभान सिंह आयु 24 साल कुंदन सिंह कल्याण सिंह 22 साल शिवा पिता गोपाल सिंह आयु 20 साल गजराज पिता ओंकार सिंह आयु 45 साल वीरू पिता दिनेश आयु 28 साल गजेंद्र पिता जगदीश आयु 32 साल हुकुम पिता संतोष मंडलोई आयु 40 साल राहुल पिता खुमान सिंह आयु 28 साल मनोज फूलमाली पिता रमेश फूलमाली आयु 40 किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है और अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। मेरा भाई है मतलब देखो जब मारो जबरदस्ती मार रहे हैं पुलिस वाले उठा के ले गई है क्या किस संबंध में ज्ञापन दिया और क्या बात की? आज हम लोगों ने हापला दीपला में जो परसों के रोज एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की जान ले ली गई थी जिसका नाम शरीफ पिता मंगू की जान ले ली गई थी। ये इसके सिलसिले में आज पूरे हापला दीपला गांव के तमाम मुसलमान लोग और शहर खंडवा के मुसलमान लोग हम सब मिल के एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में हम लोगों ने ये मांग करी है कि अभी इससे पहले जो मर्डर हुआ था और उसके अंदर जो कार्रवाई की गई थी उसको देख के समाज को ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसी सिलसिले में हमने एसपी साहब के नॉलेज में तमाम बातें डाली। इससे पहले भी कई शिकायतें की गई थी जिसके अंदर गांव के अंदर बोरिंग की मशीन को काट देना, फसलों के अंदर जानवरों को चरा देना, इससे पहले कई आवेदन दिए गए थे। लोगों ने गैर समाज के लोग जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को धमकियां दी जा रही थी और ये तमाम सिलसिला चलते आया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी के लिए इंसाफ मांगने के लिए आज हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ आए और मुस्लिम समाज ये मांग करता है कि जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द उन तमाम मुजरिमों को पकड़ के सबके सामने किया जाए। कुछ लोग अभी उनको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ हमारे शहर के लोग भी उसके अंदर शामिल है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की जान गई है तो वो गई है, उसका भी खून लाल था, उसके मर्डर करने वालों को जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए और गांव के अंदर शांति का माहौल बना के रखे और हम लोग भी ये कोशिश करें कि गांव के अंदर शांति रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हो और इसमें कोई शक नहीं क्योंकि कई आवेदन दिए गए। अभी यहाँ बताया जा रहा था कि 26 आवेदन दिए गए उस गाँव में पहले मर्डर के बाद और एक 307 का जो मुलजिम है उनको अभी तक के गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ उसके अंदर वो हो। कोई भी समाज हो लेकिन पुलिस की आप सख्ती चाहते हैं कि भाई कोई बिल्कुल भी बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि कोई भी समाज ने ये भी राय दिए हैं कि वो वहाँ जाए पुलिस और दोनों समाज के लोगों की मीटिंग करे और दोनों समाज को गले मिला के माहौल को साफ करे और वहाँ पर रात का गश्त करे और लाइट जो वहाँ पर रात में आती है एमपीपी की उसको दिन में की जाए वो भी हमने डिमांड रखी और नाइट गश्त भी होगी, पूरी लाइटिंग भी होगी और पूरा समाज दोनों समाज के लोग बैठ कर रहेंगे क्योंकि ये बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं। दोनों गांव के लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ खुराफाती लोग जा करके वहाँ पर ये माहौल ख़राब करके दोनों को लड़वा रहे हैं और शराब भी बेतहाशा बिक रही है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए हमने बोला है। ठीक है सर आपका। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।